जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जो एक्सेल में किस प्रकार से प्रिंट करते हैं। देखिए प्रिंट करने के इसमें कई प्रकार के हम तरीका बताएंगे। पहला तो ये बताएंगे, यदि कोई भी अगर जैसे किसी भी स्कूल के अगर नाम अगर लिख दिए हुए अगर प्रत्येक पेज में आना चाहता है तो किस प्रकार से उसको लाएंगे, और वैसे हम लोग नॉर्मल के में किस प्रकार से हम लोग एक्सेल में प्रिंट करेंगे वो भी देखेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे। और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है इसमें, ठीक, बहुत ही फारुक होने वाला है। हाँ, यदि अभी तक आप जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसके लिए हम लोग आ जाते हैं। और जैसा कि ये एक्सेल का ये सीट है, ये इस प्रकार से ये सीट दिया हुआ है, इसमें ये डाटा एंट्री किया गया है। देखिए इस प्रकार से ये डाटा एंट्री, बट इसका हम सबसे पहले नॉर्मल प्रिंट करते हैं। तो नॉर्मल प्रिंट इसमें हम क्लिक किए, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे तो ये जितना रहेगा काम हुआ उसमें है, जो डाटा में इस प्रकार से ये आ गया। देखिए यहाँ तक ये आ गया, अब इसमें यहाँ तक जो आ गया इसको हम प्रिंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जहाँ तक प्रिंट करना है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। बाय द वे इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं ताकि सभी दिखाई दे। यहाँ से तो यहाँ से करना है, यहाँ से थोड़ा हम ये कर लेते हैं बैक, और इस प्रकार से आप डाटा एंट्री देखिए, ये जो डाटा एंट्री है ये किस प्रकार से आता है। हम इसमें प्रत्येक में शेप लेकर यहाँ से आए हैं, शेप इंसर्ट कर लिए है, और इंसर्ट करने के बाद उसके बाद ये लिखे हैं, ठीक। तो आप इस प्रकार से या किसी और तरीका मालूम है तो ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो शेप ले आया है इस प्रकार से शेप, और देखिए ये शेप हो गया। शेप में अगर किसी प्रकार के इजी टेक्स्ट करके लिख लीजिएगा, लिखने के बाद यहाँ फॉर्मेट में आ गए, और ये शेडिंग है फिल तो इसको नो कर देंगे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे सेफ फील है जिसको नो कर दिए, सेफ आउटलाइन भी नो कर देंगे तो इस प्रकार से सिर्फ लिखा हुआ बच जाएगा। तो यहाँ पे हमको इसको तब सबसे पहले क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ से हमको ये पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आए और यहाँ से हम इसको क्या किए, सिलेक्ट कर लिए इस प्रकार से। हम इसको यहाँ पर आकर और इसको चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ तक ये सिलेक्ट हो गया। अब ये सिलेक्ट होने के बाद हमको प्रिंट करना है, तो प्रिंट निकालने से पहले आपको देखना होगा प्रिंट प्रीव्यू, देखिए किस प्रकार से निकल रहा है, ये सही तरीका से निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेज सेटअप क्या करेंगे, पेज सेटअप। तो पेज सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको मर्जिंग पे आना होगा, ठीक। मर्जिंग पे आने के बाद लेफ्ट से कितना चाहे पेज पेज पे आएंगे या मर्जिंग इस प्रकार से, तो इसको लैंडस्केप की पोर्ट्रेट। तो देखिए अगर लंबा में निकालना हो तो लैंडस्केप करेंगे। अब इसको हम देखते हैं, देखिए ऐसे लंबे तो आ गया लेकिन ये और नहीं हटेगा क्योंकि डाटा कुछ जाता है। तो यहाँ पे फिर से आते हैं, इसको लैंडस्केप ही रहने देते हैं, और इसका इस प्रकार से कर लिए। अब ये तो हो गया, फिर से आते हैं यहाँ पर पेज सेटअप, और यहाँ से हीडर फुटर मर्जिंग, मर्जिंग पे आ गए। लेफ्ट में जीरो है, जीरो नहीं इसको थोड़ा सा इसको कर देते हैं 0.5, ये हो गया। इधर भी राइट में भी कर देते हैं 0.5, टॉप में हो गया, और बटन में भी हम कर देते हैं 0.5। तो यहाँ इस प्रकार से हो गया, ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे हम फिर से आते हैं मर्जिंग पे, और मर्जिंग पे आने के बाद यहाँ से तो हो जाएगा पेज। अब यहाँ से पेज पे आएंगे और ये 68 है तो इसको कर देते हैं 75। देखिए तो बड़ा हो गया, तो इस प्रकार से तो निकल जाएगा इस प्रकार से। बट ये अभी तक इतना ये दूसरा में छूट रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो सो मर्जिंग किए, सो मर्जिंग किए। अब इसको देखिए सो मर्जिंग से अब इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ तक तो इसको हम अरेंज कर लिए यहाँ तक, और यहाँ तक जो अरेंज कर लिए उसके बाद फिर क्या करना है, ये ज़्यादा निकल गया है तो इसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं इस प्रकार से, इसको पकड़ के और इसको हम कम करेंगे। तो ऐसे अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले फिर से आएंगे पेज सेटअप, इसको 75 है हम 70 कर देते हैं। चलिए 70 हो गया, और 70 हो गया तो अब इसके बाद ये मर्जिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको अब हम बीच में ले आएंगे, और इस प्रकार से अब इसको आप अपने हिसाब से चौड़ा करना है, जिस सबको चौड़ा करना है, ज़्यादा चौड़ा कम चौड़ा इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से ये निकलेगा। बट हम इसमें सब में चाह रहे हैं कि ये देना तो नहीं दिया आएगा। देखिए अब आते हैं प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू पे, ये तो हो गया, यहाँ से आ गए कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट कर लिए,
और प्रिंट पे और प्रिंट प्रीव्यू पे। तो ये तो आ गया, पहला पे आ रहा है और बाकी उसके बाद पे ये नहीं आएगा। शो करना होगा, शो नेक्स्ट पेज, यहाँ से नेक्स्ट पेज इसमें नहीं लिखा रहा है, फिर नेक्स्ट पेज करेंगे इसमें नहीं लिखा। बट हम जो ये दिए हुए हैं हेडिंग, ये जो हेडिंग दिए हुए हैं प्रत्येक पेज में हमको आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा? तो इसके लिए तो हम सेलेक्ट कर लिए हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे यहाँ इंसर्ट, इंसर्ट पे नहीं, पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे आने के बाद प्रिंट एरिया पे आएंगे, गौर से देखिए, और सेट प्रिंट एरिया इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब नया टैब आएगा ओपन होके, जैसे नहीं आया, यहाँ प्रिंट टाइटल पे करेंगे, सॉरी प्रिंट टाइटल पे करेंगे, और प्रिंट टाइटल पे आने के बाद ये लिखा हुआ है रोज टू रिपीट एट टॉप, मतलब प्रत्येक के टॉप में क्या लिखना चाहते हैं, तो इसको, तो इसको क्या करना है सिलेक्ट। तो ये सिलेक्ट, अगर ज़्यादा है यहाँ तक है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, सिर्फ इसको है तो इसको सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू आप यहीं से भी देख सकते हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब देखिए प्रत्येक में ही आएगा, इसमें भी आ गया, देखिए यहाँ तक कहाँ तक है 10 तक, फिर नेक्स्ट करेंगे और इसमें भी आ गया इस प्रकार से 11 से, और इसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा, ठीक इस प्रकार से यहाँ से आ गया। और इस प्रकार से हम लोग जितना भी पेज में निकालना, जैसे किसी भी आप स्कूल के काम कर रहे हैं, जैसे स्कूल का ही डाटा है, तो अगर उसका अगर काम कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर इसको हटा दिए तो क्या होता है, वहाँ पे जो आपको प्रत्येक पेज में देना होता है नाम ऊपर वाला, तो प्रत्येक जो पेज में देना होता है तो उस वक्त बहुत ही प्रॉब्लम होने लगता है, आपको सही से नहीं हो पाएगा। तो उसको दिखाने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ से पहले प्रिंट को इस प्रकार से सेटअप कीजिएगा तो जितना पेज है प्रत्येक में ये हीडर में आ जाएगा, तो इस प्रकार से कीजिएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, ये जल्दी होता नहीं रहता है, ठीक। तो अगर आपके लिए वीडियो अगर थोड़ा भी यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।